So today we are going to study about the types of covalent bonding. In my previous lecture we have discussed about what covalent bonding is. Now we are going to discuss about the types of covalent bonding. Basically we have three different types of covalent bonding. The one is single covalent bond, then we have double covalent bond, and then we have triple covalent bond. These three are the types of covalent bonding. Now let's see what is the difference between single, double and triple covalent bond. Starting from the first type, which is single covalent bond. In single covalent bond, only one electron is shared by each atom. That means each atom shares its one electron in order to attain the stable outermost electronic configuration. Har atom apna ek electron share karega. Hum log isme ek example dekh lete hain single covalent bonding mein. Let's suppose hamare paas H2 hai. H2 में हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो उसका उसके अंदर सिर्फ एक ही शेल है. तो अगर वो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है. तो अगर हम H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो दैट मीन्स दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो अगर ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लें तो एज अ रिजल्ट ये स्टेबल हो जाएंगे. और कैसे होगा, लेट सपोज हमारे सामने ये है H, इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं डॉट से शो कर देती हूँ और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो कर देती हूँ. सो अब अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. This type of bond is known as single covalent bond. The bond which is formed by the sharing of one electron from each atom is known as single covalent bond. इसमें हम लोग एक example और भी देख सकते हैं, क्लोरीन की, Cl2. अब हमें पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. तो दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसको स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए. पहले शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए, क्योंकि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है. दैट मीन्स पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. पहले शेल के बाद जितने भी शेल हैं उनमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इन दैट केस वो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अचीव करता है. सो हमारे पास दो क्लोरीन है. लेट सपोज हम Cl2 बना रहे हैं तो दैट मीन्स दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो क्या होगा, बेसिकली होगा ये, क्लोरीन के पास 7 है, एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दूंगी, दूसरी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर दूंगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ये एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो ये दरमियान वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द क्लोरीन्स. सो अब अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे पास दोनों के पास 8 हो गए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और इसी तरह से अगर हम इस क्लोरीन को देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है जिसकी वजह से दोनों स्टेबल हो गए हैं. तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड है. This type of bonding is known as single covalent bond. अब हम लोग चलते हैं अगली type की तरफ, which is double covalent bond.
जिस तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसी तरह से दैट्स ऑब्वियस कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे. दैट मीन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में वन इलेक्ट्रॉन वॉज शेयर्ड बाई ईच एटम, जबकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बाई ईच एटम. तो उस केस में हम कौन से एटम्स को या कौन से एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे, उन एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे जिनको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, चलो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं O2 की. अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. O2 है, दो ऑक्सीजन है, तो दैट मींस दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ऑक्टेट को फॉलो करेगा, एज अ रिजल्ट वो स्टेबल हो जाएगा. सो दैट मींस कि अगर हम O2 के दरमियान में बना रहे हैं बॉन्ड, तो दोनों ऑक्सीजन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगी, एज अ रिजल्ट वो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव करेंगी. कैसे, ये देखें, एक ऑक्सीजन के सिक्स इलेक्ट्रॉन मैं डॉट से शो कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के सिक्स इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो अब अगर आप लोग काउंट करें तो ये दोनों जो दरमियान वाले यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर्ड होते हैं. ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो दरमियान में एक ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए हैं, इसी तरह से दूसरी ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन पहली वाली ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए हैं. तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक ऑक्सीजन के पास 8, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो दोनों स्टेबल हो गई हैं. इस केस में जो हमारे पास बॉन्ड बना है दैट इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड ओ. दैट मीन्स इसमें एक ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, क्योंकि उनको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम लोग चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, विच इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. जिस तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दो बॉन्ड्स बने, इसी तरह से हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में तीन बॉन्ड्स बनेंगे. दैट मीन्स ये हमारे उन एलिमेंट्स को टारगेट करेगा जिनको स्टेबल होने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. ठीक है, सो हम लोग एज सच उसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन की, N2 का मॉलिक्यूल. अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 5, दैट मीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हमारे पास दो नाइट्रोजन है N2 के मॉलिक्यूल, दैट मीन्स दोनों के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, तीन. दोनों नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो दैट मींस दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगी, अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगी. तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन के वैसे ही मैं डॉट से शो करूंगी, दूसरे के मैं क्रॉस से शो करूंगी. फर्स्ट नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5. तीन शेयर करने थे तो मैंने तीन दरमियान में लिखे हैं. दूसरी नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5. शेयर्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दरमियान में. ठीक है, अब अगर आप काउंट करें कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से अगर हम लोग ये वाली नाइट्रोजन देखें तो इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दोनों नाइट्रोजन स्टेबल होगी और मेरे पास N2 का स्ट्रक्चर बन गया. सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग तीन बॉन्ड से शो करते हैं. दीज वर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग. वन वॉज सिंगल, द अदर वन वॉज डबल, एंड द थर्ड वन वॉज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड.